हे गाइस, वेलकम बैक टू लाइफ टाइम फिटनेस टीवी। आज हम फिर से आ गए हमारी मिथ बस्टर सीरीज के साथ। तो जिन लोगों को नहीं पता ये सीरीज क्या है, तो इस सीरीज में हम मिथ्स को क्लियर आउट करते हैं 2 मिनट के टाइम के अंडर में। तो आप सब लोगों से एक छोटी सी अपील है कि अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि हम 1000 सब्सक्राइबर के बहुत ज्यादा पास है। तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करना। तो अब हम बात करते हैं हमारी मिथ के बारे में कि हमारे मिथ क्या है। तो ये मिथ सबसे नॉर्मल है और बहुत लोगों को शायद पता भी होगी। अगर आपको बिगनर हैं तो ये चीज़ आपको नहीं पता होगी, पर अगर आप 1-2 साल से ट्रेनिंग वर्कआउट वगैरह कर रहे हैं तो आपको ये चीज़ ज़रूर पता होगी। तो जो मिथ है वो है कि अगर हम रेगुलर रिपीटेड एक्सरसाइज करते हैं तो हमारी मसल पे क्या उसका इम्पैक्ट पड़ता है। तो बहुत लोगों के माइंड में कन्फ्यूजन होता है, एक मिथ होती है ये कि अगर हम हर दिन सेम एक्सरसाइज करेंगे, सेम मसल को ट्रेन करेंगे तो हमारी मसल स्ट्रॉन्गर होगी, ज़्यादा ग्रो करेगी, ज़्यादा बड़ी बनेगी, पर ऐसा नहीं है। फॉर एग्जाम्पल हम ये चीज़ बाइसेप्स के लिए ले लेते हैं। तो अगर आपको आपके बाइसेप्स को ग्रो करना है तो लोग ये सोचते हैं कि मैं मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे लगातार इसी मसल को ट्रेन करूंगा तो ये ज़्यादा ग्रो होगी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनेगी, जो कि बिल्कुल गलत है। अगर आपको ये बात नहीं पता तो मैं बता देता हूँ कि हमारी मसल तब ग्रो करती है जब हम रेस्ट कर रहे हो। अगर हम रात को सो रहे होते हैं, जब हम स्लीप करते हैं, तब हमारी मसल ग्रो होती है। जब हम एक बार एक्सरसाइज कर लेते हैं तो हमारी मसल टूट जाती है, मसल फाइबर ब्रेक होता है, और उसके बाद फिर हम प्रोटीन और अच्छी डाइट लेते हैं तो वो जब मसल रिपेयर होती है तब वो मसल ग्रो करती है। पर अगर आप उस मसल को रेगुलर ट्रेन करते रहोगे, मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे लगातार उसको ट्रेन करते रहोगे, तो मसल ग्रो बिल्कुल भी नहीं होगी, वो मसल टूट जाएगी और उसमें इंजरी पड़ जाएगी। फिर अगर आपने इस चीज़ को लगातार कर लिया 3-4 दिन तक सेम मसल ट्रेन कर लिया, फिर आपके ऐसी इंजरी पड़ जाएगी कि आप 6 महीने के बेड रेस्ट तक पे जा सकते हो। तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि आप एक मसल को हफ्ते में 1-2 बार ट्रेन करो, या अगर कर भी रहे हो उसको रेगुलर ट्रेन, तो 1-2 दिन का गैप रखो तो ही उस मसल पर अच्छा इंपैक्ट पड़ेगा, ग्रो होगी। अगर आप उसको रेगुलर ट्रेन करते रहोगे कुछ मतलब नहीं निकलेगा, मसल में इंजरी पड़ जाएगी। मसल हमारी तब ग्रो करेगी जब हम रेस्ट कर रहे हैं। तो आपको मसल को आपने अगर मंडे को ट्रेन कर लिया तो आप उसको अगले हफ्ते भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत की बात नहीं रहेगी, मसल अच्छे से ग्रो होगी। तो उसको रेस्ट का भी टाइम अच्छा मिल जाएगा, तो आपका वर्कआउट अच्छा हुआ, और अगर आपका रेस्ट अच्छा हुआ तो आपकी मसल ज़्यादा स्ट्रांग होगी। ये बात आप आपके किसी ट्रेनर वगैरह से भी आप कन्फर्म कर सकते हैं। तो ये चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें रेगुलर सेम मसल को ट्रेन नहीं करना है, सेम एक्सरसाइज नहीं करनी, हमें गैप रखना है, हफ्ते में 1-2 बार सेम मसल को ट्रेन करना है। तो ये चीज़ हमें ध्यान में रखनी है। तो ये वीडियो आपको समझ में आ गई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, एंड थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।